गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का गवर्नर हाउस को आवाम के लिए खोलने का ऐलान। हर एतवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक आवाम विजिट कर सकेंगे। वज़ीर आज़म की हदायत पर गवर्नर हाउसेस को आवाम के लिए खोला जा रहा है। मुल्क में ताकतवर और कमजोर के फर्क को मिटाएंगे गवर्नर पंजाब। नबी की शान में गुस्ताखी किसी सूरत भी कबूल नहीं करेंगे। ऐसी गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब। कॉन्फ्रेंस में हर मकतबा फिक्र के उलमाए कराम की भी भरपूर शिरकत। हरमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी के लिए हुकूमती इकदाम। पंजाब में रेंजर्स तलब। रेंजर्स एहलकार लाहौर समेत दीगर शहरों में तैनात किए जाएंगे। लाहौर पुलिस ने भी 9वें और 10वें मुहर्रम पर डबल सवारी पर पाबंदी और मोबाइल फोन सर्विस की बंदिश के लिए महकमे दाखिला को सिफारिश कर दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब का एक्साइज एंड टैक्सेशन सर्विस सेंटर डिफेंस का अचानक दौरा। शहरियों के मसाइल सुने और मौके पर ही अहकामात जारी किए। ट्रांसफर फॉर्म की दस्तयाबी हर दफ्तर में यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आला बल्दियाती निज़ाम बदलने की कोशिश की गई तो मज़ाहमत करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने ऐलान कर दिया। हमजा शहबाज कहते हैं अभी तो जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए हैं। हुकूमत की तरफ से हर रोज एक नया तमाशा सामने आता है। भाषा डैम शोगत खानम अस्पताल नहीं जो चंदे से बन जाएगा। लीगी रहनुमा के दरीना कारकुन जहांगीर अलमारूफ चाचा जीरा के घर आमद के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। अदलिया मुखालिफ बयानात का मामला। अहसन इकबाल का मुआफीनामा कबूल। हाईकोर्ट ने तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया। मुखालफत की सियासत अब खत्म होनी चाहिए। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के रिमार्क्स। अदालत का शुक्रगुजार हूँ, आइंदा मोहतात रहूंगा। अहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। गैर कानूनी भर्तियों का केस। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ एहतसाब अदालत में पेश। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी के खिलाफ साल साल से मुकदमा चल रहे हैं। 10 से 12 साल बाद बेगुनाह करार दे दिया जाता है राजा परवेज अशरफ। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे में मोटी तनख्वाहें वसूल करने वाले मुतादिद अफसरान की छुट्टी। मंसूबे के तामीराती काम की निगरानी करने वाला प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बंद कर दिया गया। पीएमयू में एलडीए से रिटायर्ड सईद अख्तर को बतौर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर 3 लाख तनख्वाह दी जा रही थी। 4 प्रोग्रेसिव ऑफिसर समेत 26 अफसरान लाखों रुपए वसूल कर रहे थे। नैब ने तहकीकात शुरू की तो एलडीए को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बंद करना पड़ा। जराए मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के अफसरान का एहतसाब शुरू। डायरेक्टर ऑडिट आमिर सईद के खिलाफ तहकीकात का फैसला। आमिर सईद पर तरक्याती फंड्स के ऑडिट में करप्शन का इल्ज़ाम। मेयर लाहौर ने चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन से तफसीलात तलब की। मेरे खिलाफ प्रोपागेंडा किया जा रहा है, करप्शन नहीं की। आमिर सईद लॉरेक्स कॉलोनी में जाली मोबाइल ऑयल का गोदाम पकड़ा गया है। एसीसीजी सफदर विर्क की सरबराही में टीम की कार्रवाई। 70 ड्रम मोबाइल ऑयल जब्त, गोदाम सील। 2 अफराद मोहम्मद यूसुफ और मोहम्मद जीशान को हिरासत में ले लिया। वज़ीरे सेहत पानी से गैर मयारी बर्फ तैयार करने वाली आइस फैक्ट्रीज के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर रीजन में 103 आइस फैक्ट्रीज की चेकिंग। 10 फैक्ट्रियों को सील कर दिया। महकमा लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड में भी करोड़ों की करप्शन। जानवर मार्केट की मद से 5 गुना ज्यादा पर खरीदे जाते रहे। दरख्तों की फरोख्त में भी 3 करोड़ की करप्शन। नैब और एंटी करप्शन में रेफरेंस भेज दिया गया। सरकारी अस्पतालों में पार्किंग माफिया का राज। मनमाने रेट्स मुकरर। मरीजों के लवाहिकीन लुटने लगे। मुंशी शेख जैद नवाज शरीफ अस्पताल में मोटरसाइकिल पार्किंग फीस 10 रुपए से जायद वसूल किए जाने का इंकशाफ। सो
صوبائی وزیر خوراک سمیع اللہ چودھری کی مختلف وفود سے ملاقات. وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق 100 روزہ پلان پر عمل درآمد اولین ترجیح ہے. تبدیلی کے ثمرات عوام تک پہنچانا شروع ہو گئے ہیں. سمیع اللہ چودھری. رائبنڈ میں ٹرین سے باہر دیکھنے کی کوشش میں نوجوان زندگی کی بازی ہار گیا. 21 سالہ وقاص نے ٹرین سے باہر سر نکالا تو کھمبے سے ٹکرا گیا. متوفی بزنس ایکسپریس پر کراچی سے لاہور آ رہا تھا. فیس بک پر بغیر اجازت تصاویر اپلوڈ کرنے والے ملزم کو گرفتار کرنے کا حکم. ماتحت عدالت نے ملزم کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا. قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان سرفراز احمد نے ایشیا کپ میں عمدہ کارکردگی دکھانے کے عزم کا اظہار کر دیا. کہتے ہیں بھرپور تیاری ہے, چیمپئنز ٹرافی والی کارکردگی دہرانے کی کوشش کریں گے. ٹیم آج رات دبئی روانہ ہوگی. ٹورنامنٹ کا آغاز 15 ستمبر سے ہوگا.